सफेद के साथ मुझे कौन सा कलर अच्छा लगेगा? वेरी गुड, ऑरेंज कलर सफेद के साथ यूज कीजिएगा, आप बहुत 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 अच्छा फील करेंगी। ऑरेंज कलर को यूज करके देखिएगा, और फिर या फिर रॉयल ब्लू कलर को व्हाइट के साथ यूज कीजिएगा, आप पर बहुत जचेगा, बहुत कमाल किस्म का जचेगा जी। अब ऐसा सिद्रा मेरे पास कॉल पर मौजूद थी, थैंक यू वेरी मच सिद्रा, आपने बड़ी कहानी सुनाई, बड़ी दुख भरी कहानी थी, इसको सुनने के बाद वाकई ही मुझे बड़ा बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। ओके जी, मेरे साथ है कौनैन, थैंक यू वेरी मच कौनैन ने मुझे फरमाइश की है, सुनो लोगों मेरी आंखें खरीदोगे, क्या आप हमें ये पूरी गजल सुना सकते हैं? और इसके बाद मुझे डॉक्टर आफिया साहिबा कहती हैं कि जी सुनो लोगों मेरी आंखें खरीदोगे, क्या आप मुझे ये गजल सुना देंगे? व्हाई नॉट, क्यों नहीं सुना देंगे। इसके अलावा परी, परी भी कहती है कि बहुत अरसा हो गया इस गजल को सुने हुए, क्या आप हमें ये सुना देंगे? जी सुनाएंगे, क्यों नहीं। सुनो लोगों मेरी आंखें खरीदोगे, मुझे एक ख्वाब का ताबान भरना है, एक ऐसा ख्वाब था जो के जागती आंखों ने देखा था बड़े ही चाहों से और कितने अरमानों से देखा था, एक ऐसा ख्वाब था जो के जागती आंखों ने देखा था बड़े ही चाहों से देखा था और कितने अरमानों से देखा था, मगर देखे हुए इस ख्वाब की ताबीर उल्टी है, मगर देखे हुए इस ख्वाब की ताबीर उल्टी है, नहीं शिकवा किसी से अपनी ही तकदीर उल्टी है, जो अब तक हो चुका मुझको वही नुकसान भरना है, जो अब तक हो चुका मुझको वही नुकसान भरना है, अब आंखें बेचकर ही ख्वाब का ताबान भरना है, सुनो लोगों मेरी आंखें खरीदोगे, बहुत मजबूर हालत में मुझे नीलाम करनी है, कोई मुझसे नकद ले ले, मैं थोड़े दाम ले लूंगा, कोई मुझसे नकद ले ले, मैं थोड़े दाम ले लूंगा, जो पहली बोली दे दे बस उसी के नाम कर दूंगा, मुझे बाजार वाले कह रहे हैं कम अकल ताजिर, मुझे बाजार वाले कह रहे हैं कम अकल ताजिर, अरे सुने मैं नहीं हूं हिर्स का खाहा, नफा नुकसान की शतरंज नहीं मैं खेलने आया, कोई मुझको कहे ना मन चला सा बेहुनर ताजिर, बता पाऊं तुम्हें किस तरह किस तशवीश में हूं मैं, सुनो लोगों बड़ी महबूब तर है मुझको मेरी ये नीम तर आंखें, मगर अब बेचता हूं कि मुझे एक ख्वाब का तावान भरना है, सुनो मेरी आंखें खरीदोगे, मुझे नीलाम करनी है, कोई मुझसे नकद ले ले, मैं थोड़े दाम ले लूंगा, जो दे दे पहली बोली तो उसी के नाम कर दूंगा, सुनो लोगों बड़ी महबूब है मुझको ये मेरी नीम तर आंखें, मगर अब बेचता हूँ कि मुझे एक ख्वाब का तावान भरना है। वैसे सामीन आंखों की बात हुई, न जाने क्यों इस तरह की जो पोएट्री है मुझे काफी सैडी वैडी कर देती है, मुझे काफी उदास कर देती है। और अरीजा भाई ये सॉन्ग लगा दे, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। वैसे ट्रैक काफी अच्छा है, और अताउल्लाह ईसा खान खाली, मैंने ये सॉन्ग किसी की फरमाइश पे कहा है, वो भी आपको सुन रही है, उसके निक नेम आफी खान है, ओ माय गॉड आफी खान। और इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, आज कौन सा ट्रैक है, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, ओके ओके सामीन, आई एम गोइंग टू प्ले द ट्रैक अताउल्लाह ईसा खान खेलवी की खूबसूरत वॉइस में, और आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं वैसे इस ट्रैक के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने बातें की होंगी, लेकिन और वैसे सुना मैंने भी होगा। Thank you.
चार पांच फरमाइशें इकट्ठी होने के बाद जो मुझे यहाँ पर आपको कहना है, एक मुझे गजल की फरमाइश की गई है और मैं उस गजल को जरूर जनाब आपकी समातों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा जो है ब्रेक है उसको प्ले कर देते हैं और ब्रेक के बाद और क्या एक स्पेशल सी गजल के साथ। वो कहती है सुनो जाना मोहब्बत मोम का घर है। इस गजल के साथ आपको आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के मेरे साथ रहिएगा।